अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने नैनीताल के गांधी पार्क में सत्याग्रह कर योजना को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान विधायक संजीव आर्य ने कहा कि सेना में प्रत्येक 100 जवान में एक उत्तराखंड से होता है और जब 12 अफसर बनते हैं तो एक उत्तराखंड से होता है। कितने समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग की जाती रही है, लेकिन एक और माने तो ये 9 रैंक 9 पेंशन है जो कि सरकार का युवाओं के साथ किया गया छलावा है। सरकार को इस योजना को वापस लेना होगा। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। सेना में प्रत्येक 100 जवान में एक उत्तराखंड से होता है और जब 12 अफसर बनते हैं तो एक उत्तराखंड से अफसर बनता है। और हमने देखा पूरे देश में लगातार वन रैंक वन पेंशन की मांग उठती आई है, लेकिन आज केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाई है जो 9 रैंक 9 पेंशन है और एक तरीके से संविदा भर्ती के रूप में 4 साल के लिए युवाओं को एक छलावे के तौर पर एक योजना में सैन्य भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है।